ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 24 हम पढ़ेंगे। शिव जी और सती के बीच में संवाद। शिव जी ने बहुत सारी चीज़ें समझाई सती को और अंत में अब बोलते हैं कुछ चीज़ें। तत्ते निरीक्षयो न पिताति देह कृ दक्षो मम द्विट तदनुव्रतांश्चये यो विश्वसगृज जगत सिगृग्य गतम वरो मा मनागसम दुर्वचा दुर्वचसा करोत्तिरः। अतः तुम अपने पिता को, यद्यपि वो तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। कई सारी चीज़ें सिद्धांत इसमें से निकल के आते हैं। हाँ, एक तो ये निकल के आता है कि हम ये जो शारीरिक रिश्ते हैं, दे आर नॉट ऑल एंड ऑल। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर के कुछ दायित्व तो हैं अपने माता पिता के प्रति, और शरीर में जिसने भी मेरी बचपन से मेरी परवरिश करी होगी, कैन बी अदर पीपल ऑल्सो, उनके प्रति ये मेरे शरीर के धर्म हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शरीर का धर्म जो है इस शरीर में अलग हो जाता है दूसरे शरीर में। जब मैं दूसरे शरीर में पैदा होऊंगा तो मेरे माता पिता, मेरे संबंधी बदल जाएंगे, मेरा दायित्व उन लोगों के प्रति हो जाएगा। फिर तीसरे शरीर में मेरा दायित्व तीसरे पेरेंट्स के प्रति और बाकी रिलेटिव्स के प्रति हो जाएगा। इस प्रकार ये शारीरिक दायित्व बदलते रहते हैं, जन्म के समय समाप्त हो जाते हैं, शरीर के समाप्त होते ही फिर नए शरीर में नए दायित्व बनते हैं। लेकिन जो आत्मा का दायित्व है, धर्म है, कर्तव्य है, वो बरकरार बने रहता है, क्योंकि वही आत्मा कॉमन होती है अलग अलग शरीरों में जो बार बार जन्म लेती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तो इस प्रकार से जो आत्मा का, जो हम हमारा रियल जो एंटिटी है वो हम आत्मा का है, तो जो आत्मा के धर्म है वो सर्वोपरि धर्म माना जाता है। और आत्मा का धर्म है कि उन कृष्ण का नित्य दास है, उनका सेवक है, जो कि वो इस वाले शरीर में, दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, ये दायित्व तो उसका है ही, बाकी टेम्परेरी दायित्व होते हैं उस शरीर के लिए जो उसको करने होते हैं। लेकिन उस टेम्परेरी दायित्व उसके लिए वो उस सुप्रीम दायित्व को त्याग नहीं सकता है। ये समझने के बाद इस संसार में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस टेम्परेरी दायित्व को ज़्यादा ऊपर बना लेते हैं, है ना, और उसके चक्कर में हम लोग नीचे के दायित्वों को कई बार सेकेंडरी बनाते हैं। और ये बड़ी इमोशनल बातें हैं, लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं इन सब चीज़ों के चक्कर में। लेकिन थोड़ी सी, अब जो आदमी इसके अगेंस्ट में बोलता है वो आदमी किसी को अच्छा लगता भी नहीं है वास्तव में। क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, देखिए क्या सिखा रहे हैं, देखिए। अब मेरा क्वेश्चन है कि हमने ही क्या सिखा लिया, हमने सिखा लिया माता पिता की सेवा करो, माना कर रहा है कोई सेवा, क्वेश्चन है ये। पहले ज़माने में लोग भगवान को मानते थे, आज से कुछ साल पहले तक बहुत मानते थे भगवान को, सर्वोपरि मानते थे अपने जीवन में, जो कि उनके जीवन शैली से दिखता है, आजकल जो पुराने मंदिर दिखते हैं, जो कल्चर था। लेकिन फिर उस कल्चर में उन्होंने भगवान, अपने माता पिता का कभी अपमान नहीं किया इस प्रकार से। आज की डेट में हम बचपन से सिखाते हैं कि माता पिता ही सब कुछ है और कोई नहीं, किसी को मत मान, वहाँ इस्कॉन पे मत जाइए, वो लोग हिप्नोटाइज कर लेंगे, तू अपना बना लेंगे तेरे को, वहाँ मत जाइए, ये मत करिए, मुझे मानियो। और इसी समाज में सबसे बड़ा बेइज्जती, डिसरिस्पेक्ट पेरेंट्स और सीनियर्स के प्रति हो रही है, जबकि हम बचपन से ये सिखा रहे हैं। और हम कितना प्यार दे रहे हैं, अलग अलग तरह की टी शर्ट्स, शर्ट्स, कन्वीनियंसेस, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, वट नॉट, कार, पैसा, पॉकेट मनी, सब कुछ दे रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद भी क्यों? क्योंकि हमने उस टेम्परेरी धर्म को उस सुप्रीम धर्म से ऊपर बना दिया। सुप्रीम धर्म बताने वाला ये नहीं कहता है कि ये टेम्परेरी धर्म को मत मानो, ये तो कभी सिखाया नहीं जाता कि इस टेम्परेरी धर्म को भी, जो शरीर से रिलेटेड धर्म है, उसको ना निभाओ, ऐसा नहीं बोला जाता। लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वोपरि धर्म क्या है, आत्मा का धर्म है, भगवान के प्रति धर्म है, इसको निभाने के बाद इसके साथ साथ आपको नीचे के निभाने हैं, बट प्रायोरिटी आपको उसको देनी होगी। ये करते हुए क्या होता है, उस आदमी के हृदय इतना स्वच्छ, निर्मल, हाँ, लस्ट से फ्री और इन चीज़ों से फ्री हो जाता है कि वो बाकी धर्मों को आराम से निभा, क्यों बाकी धर्म क्यों नहीं निभा पाते, शारीरिक भी, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, हम कहते हैं मेरे भोगने में बुढ़ऊ मेरे बीच में आ गया, हाँ है ना कि नहीं, या ये बच्चा आ गया, लोग बच्चे को
घर में बंद करके मूवी देखने चले जाते हैं, बच्चा मूवी देखने नहीं देगा। मैंने देखा है बच्चे को किसी काम वाली के पास छोड़ दिया और हम मूवी देखने चले गए, या हम गोवा जाएंगे, बच्चा अभी 4 साल का है, कहाँ टिकट देंगे इसकी, क्या करेंगे, मज़ा नहीं करने देगा वहाँ, को ड्रिंक व्रिंक भी करना है, जो भी करना है, बच्चे को छोड़ देते हैं रिलेटिव्स के पास, है ना। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि संसार में हम अब वो टेम्परेरी धर्म क्या था, बच्चे के प्रति कोई धर्म था हम सबका, कि उसको पैदा किया है तो उसको प्यार देना है, उसको संरक्षण देना है, उसको केयर करनी है, हम नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया ना हमने टेम्परेरी। अब इस वक्त सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किसी हो रही है, बच्चों की नेगलेक्ट हो रही है कि नहीं, बिकॉज बोथ आर वर्किंग फॉर फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो उससे बच्चे की नेगलेक्ट होती है ना कहीं ना कहीं, और उसी इतना काम कर रहे हैं कि पेरेंट्स की भी नेगलेक्ट हो जाती है कई बार, तो ये सब क्यों हो रही है। ये तो टेम्परेरी धर्म थे, ये तो आप इसी को तो मानते आए आप लोग, क्योंकि हमने सुप्रीम धर्म को छोड़ दिया ना, और सुप्रीम धर्म हमें सिखाता है कि हाउ टू बी निष्काम कैसे हुआ जाए, टॉलरेंट कैसे हुआ जाए, फॉरगिवनेस कैसे पाए, वो दिव्य गुण है, वो दिव्य गुण भगवान दिव्य दिव्य व्यक्ति के साथ जब अटैच होंगे तो दिव्य गुण पैदा होंगे। अब दिव्य व्यक्ति तो रहा ही नहीं कोई, भगवान तो गए जीवन से, तो वो टेम्परेरी धर्म को भी कैसे पालन करेगा, नहीं कर पाएगा, और यही हो रहा है, यही प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए बता रहे हैं शिव जी कि यद्यपि वो तुम्हारे शरीर का दाता है, तुम्हें मिलना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि वो मुझसे ईर्ष्या करता है, तो क्या हो गया, क्योंकि शिव जी भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करता है उससे हमारा रिलेशन नहीं होना चाहिए। हम भाई कई सारे ऐसे हमने दोस्त बना रखे हैं जो भक्तों की निंदा करते हैं, यहाँ बता रहे हैं शिव जी दिस इज़ वेरी डेंजरस, उस व्यक्ति के लिए जो उसकी दोस्ती करता है उसके लिए भी खतरनाक है, शिव जी ही बता रहे हैं। हाँ, जो भक्तों से ईर्ष्या करे चाहे वो हमारा पिता ही क्यों ना हो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। या तो अब शिवजी भी ने भी बोल दिया, अभी तक तो हम कहते थे आप लोग ज़्यादा बोलते हो, असत संग त्याग ही वैष्णवाचार, इसका संग मत करो, उसका संग मत करो, शिवजी की बात तो मानेंगे। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है, ये कल्चर है। इससे पहले शिवजी ने बताया था कि ये जो देहात्म बुद्धि वाले लोग होते हैं, ये किसी भक्त के हृदय को समझ नहीं पाते हैं, उसकी ऑपुलेंस को समझ नहीं पाते हैं कि उसके पास क्या है, वो शारीरिक तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं ना, ईर्ष्यालु लोग, और इस प्रकार से भगवान की निंदा कर रहे हैं वास्तव में। यस, जो व्यक्ति वैष्णव की निंदा कर रहा है वो भगवान की निंदा कर रहा है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान है, भगवान के प्रिय है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जाना खतरनाक है। कहते हैं यद्यपि तुम्हारी तुम्हारे पिताजी हैं, फिर भी मुझे लगता है तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु व्यक्ति बाज नहीं आता है। हाँ, ईर्ष्यालु व्यक्ति का काम ये, इसकी निंदा उसकी निंदा, ये गलत है वो गलत है, सारी दुनिया गलत है, बस एक सही केवल मैं हूँ, ईर्ष्यालु व्यक्ति का ये नेचर है। क्या आपको ऐसे व्यक्ति नहीं मिले, या मिलने के बाद भी क्या हम उनको नहीं पहचान पा रहे। शिव जी तो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं यदि यदि व्रजस्य तिहाय मद्विहाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। यदि इस शिक्षा के बावजूद, बहुत कुछ समझा दिया मैंने आपको पूरे चैप्टर में, मेरे वचनों की तुम उपेक्षा करोगी और जाने का निश्चय करती हो, तो तुम्हारे लिए भविष्य में अच्छा नहीं होगा। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता, नत न स शांतिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की बात नहीं सुनता है, साधु गुरु की बात नहीं सुनता है, उसको ना तो सुख मिलता है, न परम गति मिलती है, ना सिद्धि, यानी कि संसार में भी कुछ नहीं मिलेगा उसको, आध्यात्मिक जगत तो गया उसके दूर गया, उसको संसार में भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा, वह ऐसे ही तड़पता रह जाएगा। शास्त्र बता रहे हैं इसको, यहाँ पर शिवजी बता रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ कि ऐसे लोगों के साथ सहमत करो, मत जाओ वहाँ पर, फिर भी तुम अगर जाने का निश्चय करती हो तो ये अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये डरा नहीं रहे ना ही श्राप दे रहे हैं, दिस इज़ द रियलिटी, यही होता है ऐसी ऐसी जगह पे रिलेशनशिप बनाने से। तुम एक सम्माननीय हो, लेकिन जब तुम्हारे स्वजन ही तुम्हारा अपमान करेंगे तो ये अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट दिस। हाँ हे सती, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, दिल के आगे सब बेबस हो जाते हैं हम लोग, सही गलत के सारे फैसले हमारे धराशायी हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से हुआ। लेकिन अगले चैप्टर में हम सुनेंगे कि क्या हुआ, सती ने आगे क्या निर्णय लिया, क्या पता समझ में आ जाए उनके, लेट अस सी।
यहीं समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जाय, ग्रंथराशिमद् भागवतम की जाय। सो वी हैव फ्यू सम टाइम, सो आई थिंक इट इज़ बेटर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, तो हम लोग इसका रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। इट वॉज वेरी शॉर्ट चैप्टर, रिकैप भी जल्दी हो जाएगा, तो देन वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम। तो इस चैप्टर के अंदर हम शुरुआत करते हैं श्लोक संख्या 1, समरी पढ़ते हैं फिर से। शिव जी और सती के बीच संवाद, ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे श्लोक में कि दक्ष जो है, दक्ष और शिव जी के बीच में ये जो थोड़ा सा हुआ था वो कंटिन्यू करता है। दक्ष अपने हृदय से इतना बुरा बोलने के बाद उसको निकाल नहीं पाता है, क्योंकि प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। इसलिए दक्ष क्या करता है, प्रजापति यज्ञ करता है और प्रजापति यज्ञ में सबको बुलाता है लेकिन शिव जी को नहीं बुलाता। उसके बाद भी उसका अपमान करने का भाव बढ़ता ही चला जाता है। वो और बड़ा अपमान करने के लिए और बड़ा यज्ञ करता है जिसका नाम था वाजपेयी यज्ञ। इन बिटवीन उसको प्रजापति का तगमा मिल जाता है, तो वो और ज़्यादा फूल जाता है। तो प्रजा वो वाजपेयी यज्ञ करता है, इसमें बुलाता नहीं है शिव जी को फिर से। अब इस यज्ञ में बहुत सारे लोग जाने लगते हैं, देवी देवता इधर उधर से जा रहे होते हैं, और सती माता उन सबको जाते हुए देखती है और बोलती है कि मुझे भी जाना है। इसके लिए वो कई सारे रीज़न देती है, उसमें से एक बोलती है कि सारे लोग जा रहे हैं, सारे देवता जा रहे हैं, और वो आपके रिलेटिव ही तो हैं, मेरी बहनें भी जा रही हैं और वो अपने भाई अपने पतियों के साथ जा रही होंगी, तो मुझे भी तो अपने पति के साथ जाना ही चाहिए। मैं अपने आप को डेकोरेट करूंगी, नए नए कपड़े पहनूंगी जो मेरे पिताजी ने दिए। आई वॉन्ट टू गो देयर जस्ट लाइक अ किड। वो ऐसी जिद करती है, कहती है मैं वहाँ जाऊँगी तो अपनी मम्मी से मिलूंगी, अपनी बहनों से मिलूंगी, रिलेटिव से मिलूंगी। हाँ, और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, यज्ञ तो अच्छा ही है, उसमें जाना ही चाहिए। हाँ, विच शोज अस कि अगर यज्ञ वास्तव में वैष्णव और भगवान की पसंदता के लिए नहीं हो रहा तो नहीं जाना चाहिए ऐसे यज्ञों में, ऐसी पूजा पाठ में जहाँ वैष्णव को वैष्णव ना माने। संसार में रोज कहीं ना कहीं पूजा पाठ हो रही है लेकिन ना तो वैष्णव की नॉलेज है ना भगवान की नॉलेज है, ऐसे में नहीं जाना चाहिए इस चैप्टर के हिसाब से। तो ये जो आगे सुनेंगे आप, उसके बाद बोलते हैं कि आप तो बड़े ज्ञाता हैं शिव जी, आप सब चीज़, आप सेल्फ कंट्रोल है आपके अंदर, कंट्रोल है, मेरे अंदर नहीं है। मैं एक नारी हूँ, मैं नहीं रोक पा रही हूँ अपने आप को। ये भी बहुत अच्छा रीज़न नहीं है बोलने का कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ी हम खड्डे में गिर जाएंगे। अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हम अक्सर बोल देते हैं आप तो महान हैं, हम महान थोड़ी हैं। अरे तो महान व्यक्ति ही तो प्रसन्न रह पाता है संसार में, हम क्या अप्रसन्न रहना चाहते हैं, हमें महान बनना पड़ेगा। एनीवे वो बोलती है कि अब मेरे बस की नहीं है। तो इस प्रकार से वो कई तरीके से बोलती है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो अच्छा ही होगा, मेरे सम्मान मिलेगा, और कोई अगर घर का कोई अपना ही मेंबर बुलाए तो क्या इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है क्या, बिना इनविटेशन के तो जाया जा सकता है, इसलिए आप मेरी रिक्वेस्ट को मानिए और मुझे जाने दीजिए। शिव जी उसके बाद फिर उसको समझाने का प्रयास करते हैं 15 से 25 श्लोक में, और बोलते हैं कि देखिए प्रॉब्लम यह है कि जो आपके पिताजी हैं वो फॉल्ट फाइंडर हैं। फॉल्ट फाइंडर आदमी बड़ा खतरनाक होता है हमेशा। हाँ, तो सब जगह चले जाओ लेकिन ऐसे फॉल्ट फाइंडर के पास मत जाओ कभी भी। और इन सब लोगों के पास क्या प्रॉब्लम है फॉल्ट फाइंडर के पास, ये एक वैष्णव को पहचान नहीं पाते हैं और वैष्णव से ईर्ष्या करते हैं। वो वैष्णव जो कि हमेशा भगवान में लिप्त रहता है, उसकी ओपुलेंस, उसके भाव को, स्वभाव को समझ नहीं पाते हैं। हाँ, इसलिए नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह में। और जब ये लोग तुम्हें हार्श वर्ड बोलेंगे तो तुम्हारे लिए बड़ा पैना होगा, तुम समझ नहीं पा रही हो उस बात को, और तुम्हारी बुराई करी जाएगी क्योंकि तुम मेरे से रिलेटेड हो। हाँ, क्यों, और उनको ईर्ष्या मेरे से है, इसलिए हर चीज़ जो मेरे से रिलेटेड है उससे वो ईर्ष्या करेंगे ही, उसको उसको बुरा बोलेंगे ही, है ना। जिस व्यक्ति से हमें ईर्ष्या हो जाती है वो हंसता भी है तो है, हम कहते हैं देखो 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 हंस रहा है, देखो ये कोई बात है हंसने की, और हंसने में भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज वो ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है, कहते ये तुम्हारे साथ होगा, ये होगा वहाँ पर। और ये सब क्यों है, क्योंकि ये फॉल्स ईगो है इनके अंदर, दक्ष के अंदर। ये अपनी बॉडी को ही सब कुछ मानते हैं। हाँ, और ये समझते नहीं है ये क्या तुमने बोला कि मतलब, तो क्वेश्चन वाज कि मैं उनके स्वागत के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ। ये इतना नहीं समझते हैं कि एक वैष्णव हमेशा भगवान को हृदय में रखता है और प्रणाम कर रखता है। जब भगवान को प्रणाम हो जाए तो सबको प्रणाम होना हो जाना चाहिए। एक डीटी, एक रूम, एक जो टेम्पल हॉल है उसमें एक नियम है, हम आपको बताते हैं। वो नियम ये है कि यदि विग्रह सामने है और हमने विग्रह को प्रणाम कर दिया तो अलग से सबको प्रणाम नहीं करना, बल्कि प्रणाम करने को अपराध माना जाता है टेम्पल हॉल में, क्योंकि भगवान को प्रणाम कर दिया, भगवान सामने हैं तो सबको प्रणाम हो गया। हम जब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं दंडवत, तो वास्तव में हमारे हृदय के बैठे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और हमारी वैल्यू क्यों है, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान है। और यदि मैंने भगवान को प्रणाम कर ही दिया तो वास्तव में मैंने कर दिया, मुझे खुश हो जाना चाहिए, वो दिस पर्सन इज पेइंग ओबेसेंस टू द लॉर्ड, है ना। कोई व्यक्ति अगर भगवान को प्रणाम कर रहा है तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, मेरे को तो प्रणाम किया नहीं, भगवान को प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब वास्तव में ऐसा जानबूझ के हम करते नहीं है। भक्त लोगों को ये नहीं सिखाया जाता,
उनको वैष्णव प्रणाम सिखाया जाता है, लेकिन यदि कोई अनजाने में भगवान को प्रणाम कर दे तो हमें मानना चाहिए ओह मेरे भगवान को इसने प्रणाम किया है, सबको प्रणाम। लेकिन ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है इस बात को कि वासुदेव कॉन्शियस क्या है, वासुदेव चेतना क्या है। इसलिए मेरी एडवाइस है मत जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अगले अध्याय में सामने आएगा कि क्या अनर्थ होने वाला है। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ओके, विनय प्रभु बोल।